हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड दिस वीडियो हम एरे के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको और थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए और आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। इसके बाद जाके अगले लेक्चर से हम स्ट्रेंथ्स और कैरेक्टर एरेस के बारे में डिस्कस करेंगे और मल्टी डायमेंशनल एरेस भी पढ़ेंगे, पर आज के लिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फटाफट से टू द पॉइंट बात करेंगे और जल्दी सॉल्व कर लेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कहाँ पर? हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। सो पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है रोटेट एरे। ठीक है, तो क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? ये कहता है एरे को रोटेट करके दे दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मतलब वैसे तूफानी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ कभी कभी फंस जाते हैं बच्चे इसके अंदर। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। एक बार मैं फंस गया था इस क्वेश्चन के अंदर। चलो, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपको इनपुट के अंदर हम एक एरे दे देंगे, इनपुट के अंदर एक एरे दे देंगे, जैसे कि हमने बोला कि 1, 7, 9 और 11। आपको क्या करना है? आपको ना उसको रोटेट करके देना है। कितनी वैल्यू से रोटेट करना है? के वैल्यू से। मान लो के की वैल्यू मैंने 2 दे दी, अगर तो मान लो के से रोटेट कर दो इसको, तो मुझे क्या करने का, मुझे हर एलिमेंट को 2 आगे बढ़ाना पड़ेगा, हर एलिमेंट की पोजीशन को 2 प्लेस आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए इस केस के अंदर? इस केस के अंदर आउटपुट क्या आना चाहिए? 11 यहाँ से करते हैं, 1 जो है वो 2 आगे बढ़ गया होगा, यानी 1 यहाँ पे आ जाएगा। 7 जो है वो 2 आगे बढ़ गया होगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। 11 जो है 2 आगे बढ़ गया होगा, तो साइक्लिक वे में आएगा, 1 और 2, 11 यहाँ आ गया। 9 जो है 2 आगे बढ़ जाएगा, 1 और यहाँ, ये 9 आ गया। तो आप समझ गए, अच्छा इसको हम कह रहे हैं 2 बार आगे बढ़ाना। ठीक है, के प्लेस से शिफ्ट करना, तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, जो जिनके लिए प्लेस अवेलेबल होगा, जैसे कि 1 के लिए यहाँ पर प्लेस अवेलेबल है 2 आ गए, तुमने 1 को वहाँ डाल दिया। जिनके लिए नहीं है, जैसे 11 के लिए 2 प्लेस आगे है ही नहीं कुछ, तो हम क्या करेंगे, उसको साइक्लिक वे में लेके जाएंगे कि यहाँ से आके सीधा पीछे ज्यादा पहला प्लेस और दूसरा प्लेस। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस प्रकार हम रोटेट कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। मान लेते हैं कि मेरा इनपुट क्या है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये दिया हुआ है -1, -100, -3, -99। के की वैल्यू क्या दी है? के की वैल्यू दी है 2। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है? अगर मैं अपना आउटपुट एरे बनाऊं, लेट्स मेक आर आउटपुट एरे, इसको इनपुट लिखना है, आउटपुट एरे में 4 प्लेस होगी, 1, 2, 3, 4। बहुत बढ़िया। मुझे क्या दिख रहा है कि यार जो -1 है ना, वो 2 आगे शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे -1 आने वाला है। अब मैंने क्या बोला, मुझे दिख रहा है कि हम -100 को 2 आगे शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो मुझे क्या दिख गया कि यार बहुत आसान है, यहाँ -100 आ गया। अब मुझे क्या दिख रहा है कि यार जो 3 है ना, 1 प्लेस यहाँ शिफ्ट करूंगा, फिर दूसरी प्लेस यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ गया इसका मतलब। तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। फिर मैंने क्या बोला, 99 चेक करते हैं। 99 के लिए पहली प्लेस ये हो गई और दूसरी प्लेस ये हो गई, यानी यहाँ पे आएगा 99। बहुत बढ़िया। तो ये आपका हो गया रोटेटेड एरे, रोटेटेड एरे। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, किस प्रकार मुझे रोटेट करना है। ठीक है, ये नॉर्मल चीज आपको समझ में आ गई। बस एक लॉजिक आपको यहाँ पे छोटा समझना है, वो ये कि भैया ये जो आप बता रहे हो ना कि लास्ट वाली वैल्यू के लिए आगे प्लेस नहीं है, तो हम इसको पीछे साइक्लिक में लेके जा रहे हैं, ये कोड में कैसे करेंगे? तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय रीलेवल। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डोमेन में एंटर किया जाए और एक तगड़ी हाई सीटीसी वाली जॉब ग्रैब की जाए, सो रीलेवल इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज को देख सकते हैं हायर करते हुए, जैसे क्रेड, 1MG, मीशो, अर्बन कंपनी, अपग्रेड, तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। रीलेवल टेस्ट आर कम्प्लीटली फ्री। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स हैं जो हायर कर रहे हैं। एक और नया फीचर यहाँ पे ऐड हुआ है कि यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर भी डाल दिए गए हैं ताकि आप मॉक टेस्ट ले पाए असली रियल टेस्ट देने से पहले, और आपको समझ में आ जाएगा ठीक है असली टेस्ट में से क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अब तक इन्होंने 7 करोड़ प्लस वर्क जॉब्स प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी है, और ये कुछ कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं जो कि लीडर बोर्ड में बने हुए हैं। और फायदा है लीडर बोर्ड का ये कि यार आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलते हैं, महंगे महंगे वाले। अब आप एक जॉब लेना चाहते हैं, साथ ही साथ कोई लीडर बोर्ड में रहकर एक्साइटिंग प्राइस भी लेना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, आपको इस लिंक पे जाके जो डिस्क्रिप्शन आपको मिलने वाला है वहां पर जाके साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा टेस्ट के लिए। और बहुत सारी कैटेगरीज जिनके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज, एक नई कैटेगरी यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट की ऐड हुई है, तो रजिस्टर करो, जॉब लो और फिर मुझे पार्टी दे देना। चलो बाय बाय। लॉजिक समझ में आ गया हमें कि ठीक है इस प्रकार हमें करना है कि आगे प्लेस नहीं है तो पीछे अपना अपना एरे की स्टार्टिंग से हमने शुरू कर लिया, पर किस प्रकार करेंगे? मैंने बोला दोस्त बहुत आसान है, मॉड के बारे में सुना है? हाँ बोलोगे हाँ सुना तो है भैया। तो उसकी एक प्यारी ही चीज थी यार, आप किसी भी नंबर को अगर एन से मॉड करोगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा या आउटपुट आएगा वो क्या आएगा हमेशा, वो 0 से लेके n-1 की रेंज में ही आएगा हमेशा। ये बात समझते हो? एग्जाम्पल समझते हैं एक बार। मैंने बोला किसी भी नंबर को अगर 10 से मॉड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 से लेकर 9 तक। नहीं पता लग रहा, ट्राई कर लो, 43 मॉड 10, 3 आ गया।
9 आ गया, 70 मॉड 10 0 आ गया, 55 मॉड 10 सॉरी मॉड 10 5 आ गया। तो आप समझ पा रहे हो, ठीक है, आंसर हमेशा किसी भी नंबर का मैं n से मॉड करता हूं तो वो 0 से लेके n माइनस 1 आता है, और मुझे क्या पता है कि एरे का इंडेक्स हमेशा कहां शुरू होता है, 0 से लेके n माइनस 1 तक। ओके, सिमिलैरिटी मिल रही है हमें। तो हमें पता लगा अगर मैं मॉड का यूज कर लूं, तो मान लो अगर मैं चाहूं कि मुझे 100 को ना nth प्लेस पे डालना है, ठीक है, पर nth प्लेस तो एग्जिस्ट नहीं करती, बट अगर इसी nth प्लेस को मैं मॉड कर दूं n के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा, n मॉड n क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब आपने 100 को n पे नहीं, 100 को आपने 0 पे डाल दिया। ये तो हमें करना था, साइक्लिक को रोटेट कर दिया। दोबारा समझते हैं इस चीज को एक बार। मैंने बोला आप एग्जांपल है 11 12 13 14 15 इनका इंडेक्स है 0 1 2 3 4। मैंने बोला k इज इक्वल टू 3 है यार, आपको तीन प्लेसेस शिफ्ट करना है। आपने बोला ठीक है भैया सिंपल है। आपने क्या किया, ध्यान से देखते हैं, आप गए यहाँ पे 15 पे, आपने बोला 15 को 3 आगे बढ़ाना है, 1 2 3। करंट इंडेक्स क्या है इसका, करंट इंडेक्स क्या है, एन माइनस 1। 3 आगे बढ़ाऊंगा तो कहाँ बढ़ाऊंगा, 1 2 3 क्या हो जाएगा, एन एन प्लस 1 एन प्लस 2। तो आप इसको एन प्लस 2 पर डालना चाहते हो, बट एन प्लस 2 एग्जिस्ट नहीं करता, बट आपको टेंशन लोगे। आपने बोला मैं एन प्लस 2 का ना मॉड कर देता हूँ एन के साथ। आंसर क्या आ गया, 2। और 2 का मतलब क्या है, ये वाला इंडेक्स तो आपने अपना 15 यहां डाल दिया। चेक करें एक बार, 15 को 3 आगे बढ़ाना था, 1 2 3। तो क्या आपका मॉड करके काम चल पा रहा है, बहुत भयंकर काम चल रहा है आपका। तो आप कह रहे हो भैया ये 2 कहां से आया, अरे अभी तो समझा दोस्त, अभी समझा हमने इस चीज को, कुछ नहीं करना, 15 था n माइनस 1 पोजीशन पे, 3 आगे बढ़ाया n पहुंच गया, n प्लस 1 पहुंच गया, n प्लस 2 पहुंच गया, फिर n प्लस 2 पे डालना था, n प्लस 2 को n से मॉड कर दिया ताकि मैं सही इंडेक्स निकाल पाऊं, क्योंकि n प्लस 2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब मैंने मॉड कर दिया n से, तो मैं इसी रेंज में रिवॉल्व करूंगा, वही तो मैं चाहता हूं। तो इन शॉर्ट आपने क्या बोला, आपने क्या बोला कि एरे का इंडेक्स प्लस k की वैल्यू मॉड n, इसमें एरे की वैल्यू डाल दो। ये फॉर्मूला आपने बना लिया, ये फॉर्मूला आपने बना लिया। आपने क्या लिखा कि ए आर आर ऑफ आई प्लस के मॉड एन इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई। ये क्या दर्शाता है, ये कहता है कि साइक्लिक में के प्लेस से शिफ्ट कर दूंगा, साइक्लिक वे में के प्लेस से शिफ्ट कर दूंगा, साइक्लिक वे में के पोजीशन से शिफ्ट कर दूंगा, किसको, आईथ टर्म को। ये दर्शा रहा है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, तो ये फॉर्मूला क्या करने वाला है, ये क्या करने वाला है, जो नॉर्मली शिफ्ट हो सकते हैं उनको तो नॉर्मली शिफ्ट कर देगा, अब जो यहाँ पे नहीं जा सकते, आगे स्पेस नहीं है, उनको साइक्लिक में शिफ्ट कर देगा इस प्रकार। तो आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है भैया, ये वाली चीज थोड़ी सी समझ में आई है, फॉर्मूला तो हमें समझ में आ चुका है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला दोस्त इतना ही कोड करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना ही कोड करना, कुछ नहीं करना, देखो क्या करना है, कोड देखते हैं एक बार। तो मैंने क्या बोला कि यार बड़ा सिंपल है, एक वेक्टर बना लो, वेक्टर इंट, आप तो वेक्टर समझ चुके हो, आपने एक्चुअल वाली वीडियो देख ली, वेक्टर इंट टेम्प बना लिया आपने, कितने साइज का, एन साइज का बना लिया। मैंने क्या बोला एक लूप चला दो, 4 इंट आई इक्वल टू से लेके जो भी नम्स का साइज है, ठीक है, इतना कर लो। इसके बाद क्या करो, कुछ मत करो, बस फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या लगाया कि टेम्प ऑफ आई प्लस के मॉड एन, सॉरी एन नहीं है, नम्स डॉट साइज, इसमें क्या डालना है, इसमें डालना है नम्स ऑफ आई की वैल्यू, ठीक है, इतना कर दिया आपने। अब इसमें क्या हुआ होगा, टेम्प के अंदर आपकी साइज चीजें स्टोर हो चुकी होगी, अब आपको क्या करना है, बट आपको आंसर में क्या बोला है कि जो भी चीज स्टोर करनी है वो नम वाले एरे में करना, तो आपने बस कॉपी कर दिया। आपने लिखा फॉर, या छोड़ो, आपने क्या लिखा, नम्स इज इक्वल्स टू टेम्प, उसके बाद आपने कुछ नहीं करा, बस इतना करके छोड़ दिया। मैंने बोला ट्राई करते हैं, चलता भी है या फिर ऐसे तुक्के तुक्के में कोड लिख दिया, रन करा हमने और ये जो है एरर आ गया, कह रहा है भाई क्या 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 हो, चल कह रहा है ये। इसने बोला एन क्या चीज है, बिल्कुल सही बात है, नम्स डॉट साइज। हमने बोला भाई आप चलाइए, उसने बोला देखता हूँ, उसने बोला ये नम्स क्या है, स्पेलिंग रंग से लिख ले। मैंने बोला ले भाई ले ले ले, अब बता, चलो एक्सेप्ट हो गया, सारे टेस्ट के चलाते हैं चलाते हैं चलाते हैं चलाते हैं, सारे टेस्ट के सही चल रहे हैं, सबमिट कर दें, सबमिट करके देखते हैं एक बार। एक बार हमने रन टाइम एरर आ चुका है, पहले कभी सॉल्व किया था,
बढ़िया सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये चीज से हमें समझ में आ गया कि यार लॉजिक हमें समझ में आ चुका है। एक बार और मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ हमने किया क्या है। भैया ये बताओ पहले तो आपने टेम्प वाला वेक्टर क्यों बनाया, सीधा नम वाले वेक्टर में क्यों नहीं किया? समझते हैं, एक बार नम वाले वेक्टर में करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगी अच्छे से। मैंने बोला कि जो नम्स वाला वेक्टर है वो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है 11, 12, 13, 14, और मान लो कि इज इक्वल टू 2 है, तो इस केस में क्या होता? और आई इज इक्वल टू 0, आप क्या बोलते हो कि नम्स I प्लस के मॉड एन इज इक्वल टू नम्स आई, क्या बनेगा वो नम्स I प्लस के, आई क्या है 0, के क्या 2, तो क्या हो गया 2 मॉड एन की वैल्यू 4, 2 मॉड 4, 2 मॉड 4 क्या आ गया 2, तो नम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू नम्स ऑफ 0। बहुत बढ़िया, आपका एरे किस प्रकार का हो गया 11, 12, और यहाँ पर आपका ये था 0, 1, 2, 3, तो 2 के अंदर आपने 0 की वैल्यू डाल दी, यानी 11 हो गया और ये 14 हो गया, ये आपका नया एरे बन चुका है। आप गए फॉर आई इजिकल टू 1 के लिए, फॉर आई इजिकल टू 1 के लिए आपने फॉर्मूला लगाया, क्या आया नम्स आई प्लस के क्या हो गया 1 प्लस 2 3, 3 मोड 4 3 आ गया, इसमें क्या डालना है नम्स ऑफ 1 डालना है, ये रहा 3 और ये रहा 1, तो आपका एरे क्या हो गया 11 12 11 12। बहुत बढ़िया, आई इजिकल टू 2 के लिए चलते हैं, ये है 0 1 2 3, आपका क्या हो जाएगा नम्स ऑफ आई प्लस के, आई क्या 2, के क्या 2, 4 मोड 4 0 हो गया, नम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई दैट इज 2, यानी 0 में 2 डाल दो, यानी 0 में 2 डाल दो, क्या हो गया 11 12 11 12। फिर सेम ऐसे 3 के लिए चेक किया, हमारा आ जाएगा नम्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ 3, ऐसा कुछ आ जाएगा 11 12 11 12। क्या ये सही आंसर है? अरे भैया 13 14 तो खा गए आप, ये 13 14 भी तो था, ये खा गए आप, तो वही तो दोस्त, तभी तुमने टेम्प वाला एरे लिया, ये वाला एरे नहीं किया। इस वाले एरे में अगर हम वही सेम फॉर्मूला लगा देंगे तो चीज़ें ओवर राइट हो जाएंगी, चीजें ओवर राइट हो जाएंगी। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने यूज तो इस वाले वेक्टर की वैल्यू करी है यहाँ पे, ये देखो, बट हमने स्टोर किया टेम्प वाले एरे के अंदर ताकि कोई भी चीज ओवर राइट ना हो। टेम्प वाला जो एरे था उसके जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया ये यहाँ पे वो खाली था, कुछ पड़ा नहीं था उनके अंदर, है ना। तो यहाँ पे इसी प्रकार तभी हमने टेम्प वाला एरे अलग से क्रिएट करना पड़ा, हमने नम्स वाले एरे में इस तरह नहीं है, कोई चीजें ओवर राइट हो जाएंगी और हमारा आंसर गलत आ रहा है। अगर मैं टेम्प वाला एरे ले लूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखो नम्स वाला एरे क्या पड़ा हुआ है 1 2 3 4, आई इज इक्वल टू 0 के लिए चलते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि टेम्प आई प्लस के मॉड एन इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई। बहुत बढ़िया, आई इज इक्वल टू 0 के लिए क्या आ जाएगा, ये आई इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा टेम्प ऑफ आई प्लस के, क्या होता है 0 प्लस 2, 2 मॉड 4 दैट इज 2, टेम्प ऑफ 2 इक्वल टू नम्स ऑफ 0, नम्स ऑफ 0 क्या है 1, यानी कि आपके टेम्प वाले की वैल्यू क्या हो गई अब 0 1 2 3, 2 के अंदर आपका 1 आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर आप गए आई इज इक्वल्स टू 1 के अंदर, आपने बोला टेम्प आई की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 3 मोड 4 3 आ गया, टेम्प ऑफ 3 इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ 1। बहुत बढ़िया, नम्स ऑफ 1 क्या है, नम्स ऑफ 1 है 2, यह 0 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा टेम्प ऑफ 3 में, ये 1 था और ये 2 आ गया 0 1 2 3। बहुत बढ़िया, आई इजिकल टू के ले गए तो आपने बोला कि यार टेम्प आई प्लस के, तो 2 प्लस के क्या है 2, तो 4 मोड 4 आ गया 0, और आपने कर दिया नम्स ऑफ आई दैट इज नम्स ऑफ 2 के इक्वल, तो इसका मतलब 0th पोजीशन पे आपने नम की सेकंड वैल्यू डाल दी, सेकंड पोजीशन में क्या पड़ा, फिर क्या पड़ा 3 पड़ा हुआ, तो आपने यहाँ पे 3 डाल दिया, ये 1 है ये 2 है ये 0 है 1 है ये 2 है ये 3 है। ठीक है, आप गए लास्ट आई इजिकल टू 3 पे, तो ये क्या हो गया आई प्लस के 3 प्लस 2 5, 5 मोड 4 क्या होता है 1, और यहाँ पे नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ 3। ठीक है, 3 पे क्या पड़ा हुआ है, थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 4, तो आपने टेम्प 1 में 4 डालना है, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये हो गया 0 1 2 3। क्या हर कोई दो प्लेस रोटेट हो चुका है, रोटेटेड बाय 2 प्लेसेस, जी हाँ हो चुका है। ठीक है, तो आपको कोड समझ में आएगा कि हमने टेम्प वाला एरे क्यों लिया, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यूज क्या है, आपको समझ में आ चुका होगा। हमने सेम एरे में क्यों नहीं किया, सेम एरे में किया होता तो भैया ये ओवरराइट हो जाता इस प्रकार, इसलिए हमने एक नया एरे बनाया और उसके बाद किया। रोटेट वाला जो साइक्लिक वाला फंडा था हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमने इसको रिलेट कर लिया था, किससे रिलेट कराया था, अपने मॉड वाले लॉजिक के साथ, यार मॉड भी तो ऐसा सेम काम ही करता है, हमने यहाँ पकड़ा था ना मॉड को, यार मॉड जो है मॉड एन करता हूँ तो 0 से n-1 तक जाता है, और यहाँ पर मुझे रोटेट करना है तो मेरे पास पोजीशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से n-1 तक है, n-1 के बाद मैं 0 जाना है, और मॉडल में सेम होता है n-1 के बाद आप सीधे 0 जाते हो, तो आपने पकड़ ली थी ये चीज़। बहुत बढ़िया, अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ,
जो कि बहुत आसान होगा। अगला क्वेश्चन जो है आपको चेक करना है कि इफ एन एरे इज सॉर्टेड एंड रोटेटेड, एक एरे है आपको चेक करना है कि सॉर्टेड और रोटेटेड है या नहीं है। सॉर्टेड एंड रोटेटेड हमने पढ़ा था बाइनरी सर्च के अंदर, जब हम पिवट निकाल रहे थे याद है, तो हमने वहां पे चेक किया था, मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया था। बस हमें ये चेक करना है कि यार क्या ये एरे सॉर्टेड है रोटेटेड है, मतलब दोनों चीजें हैं या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो मेरे को क्या समझ में आता है क्वेश्चन टू के अंदर कि यार आपको ना एक एरे दिया हुआ है, एरे दिया हुआ है उसके अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी है 3, 4, 5, 1, 2। मुझे पता नहीं, ऐसे को लग रहा है कि जो मैं क्वेश्चन अब इसका आंसर निकालूंगा ना वो शायद एडिटोरियल में भी ना हो ऐसा लग रहा है मुझे। एडिटोरियल तो है ही नहीं इसका, सोल्यूशन में है ही नहीं कुछ भी। तो इसके लॉजिक से स्टार्ट करते हैं, हमारा दिमाग क्या कहता है। हमारा दिमाग कहता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार सारे केसेस लिख के देख लेते हैं। पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस हो सकता है कि एरो जो है सॉर्टेड ही पड़ा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार का। दूसरा केस क्या हो सकता है कि सही केस है, सॉर्टेड भी है और रोटेटेड भी है, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है ना 3, 4, 5, 1, 2। ठीक है, थर्ड केस क्या कहता है कि सॉर्टेड रोटेटेड नहीं है भाई, अलग सा है, मतलब बेकार सा क्वेश्चन है, जैसे कि 3, 5, 7, 1, 6। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार ये तीन केस होते हैं, इसके अलावा कुछ होने वाला है नहीं। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि यार ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, और ये वाला जो है इससे बड़ा है। तो एक पेयर एग्जिस्ट कर रहा है जहां पर नम्स ऑफ आई माइनस वन जो है वो बड़ा है नम्स ऑफ आई से। बहुत बढ़िया, अब यहां पर देखो ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे छोटा है और फिर ये भी इससे छोटा है, यहाँ भी सेम एक पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मुझे समझ में आ गया यार कि मुझे ट्रू किस केस में भेजना है, ट्रू मुझे उस केस में भेजना है जहाँ पर मेरा एक पेयर एग्जिस्ट करता है, किसके साथ, अबव कंडीशन के साथ जो मैंने ऊपर लिखी है अभी। ठीक है, अब मुझे पता है ये वाला आंसर गलत है, क्यों है भाई गलत, क्योंकि देखो 3, 5, 7 ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, फिर ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे छोटा है और फिर ये इससे बड़ा है, दो पेयर आ गए। अगर मैं इसको लिख के भी देखूँ, उसको ध्यान से विजुलाइज भी करें 3, 5, 7, 1, 6 को, तो ऐसा बनेगा है ना, ऐसा तो होता ही नहीं, हमारा रोटेटेड छोटे डिग्री इस प्रकार का होता है, ऐसा होता है इस प्रकार का, बट आपका तो ये ऊपर चला गया है ना। तो हमें समझ में आ रहा है कि तीसरे वाले में दो पेयर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गलती हो रही है। तो मैंने एक आंसर बना लिया यार कि यार अगर आप एक पेयर निकाल रहे हैं, मतलब कि अगर आपके एरे में एक पेयर ऐसे एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर और साइक्लिक पेयर याद है, क्योंकि हम लास्ट वाले एलिमेंट को ही पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर करा रहे हैं, एक पेयर ऐसे एग्जिस्ट करता है जहां पे आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो आपका आंसर जो है वो ट्रू है, अगर एक से ज्यादा है तो भाई फॉल्स है। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो हम इसको कोड करके देख लेते हैं एक बार। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक काउंट मेंटेन कर लो, इंट काउंट इज इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया। मैंने बोला एक लूप चला दो, 4 int i = 0, i <n, i++। ठीक है, अब इसके अंदर बस चेक कर लो तुम सारे के सारे एलिमेंट्स को। मैंने बोला ठीक है, अब मुझे पीछे वाले एलिमेंट को आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करना है। मैंने बोला इफ नम्स ऑफ आई माइनस वन इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई, अगर ये वाला इससे बड़ा है तो क्या करो, काउंट को प्लस प्लस कर दो। अब एक गलती यहाँ पे, जब मैं आई माइनस वन कर रहा हूँ और मैं 0 से स्टार्ट करूंगा तो आई जो है स्टार्टिंग में माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप एक्सेप्शन आ जाएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो इसको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला काम आपने कर लिया। अब इस लूप से क्या हुआ होगा, आपने ये वाले सारे कंपैरिजन कर लिए हैं, ये बट ये वाला कंपैरिजन अभी पेंडिंग है, सिंगल कंपैरिजन है, अलग से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। मैंने मॉड से भी कर सकता हूँ, मॉड का यूज करिए, बट मैंने अलग से कर लिया। मैंने क्या बोला कि नम्स ऑफ, इसको पहले मैं n बना लेता हूँ एक अलग से, int n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, बहुत बढ़िया। मैंने बोला नम्स ऑफ n माइनस वन, यानी लास्ट एलिमेंट अगर बड़ा है तुम्हारे पहले एलिमेंट से, तो इस केस में भी काउंट को प्लस प्लस कर देना दोस्त, बहुत बढ़िया। मैं मैंने बोला कि यार रिटर्न कर देना, बस ये चेक कर लो काउंट 1 है कि नहीं है, काउंट इज इक्वल टू 1, अगर 1 होगा ट्रू कर दो नहीं तो फॉल्स कर देना। क्या लॉजिक, लॉजिक हमें समझ में आ रहा है, समझते हैं क्या हुआ। मैंने काउंट मेंटेन किया जो कि बताएगा कि इतने ऐसे पेयर एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर आपका नम्स ऑफ आई माइनस 1 ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई है। ठीक है, आपने पूरे एरे पर ट्रैवर्स किया, देखा कितने पेयर एग्जिस्ट करते हैं, अगर कोई पेयर एग्जिस्ट करता है आप काउंट प्लस प्लस करते गए, बढ़िया। फिर आपने लास्ट साइक्लिक वाला कंपैरिजन था, जो ये वाला कंपैरिजन था, यहां से उठा के यहां वाला, यहां से उठा के यहां वाला, यहां से उठा के यहां वाला, वो लास्ट कंपैरिजन के लिए आपने ये वाली इफ कंडीशन लगा दी कि यार लास्ट एलिमेंट को पहले एलिमेंट से कंपेयर कर लेता हूं और काउंट प्लस कर दूंगा अगर बड़ा हुआ तो। लास्ट में सिंपल बोला, अगर काउंट 1 है तो भाई 2 रिटर्न कर दे, अगर काउंट 1 नहीं है तो भाई फॉल्स रिटर्न कर दे, सिंपल सी चीज। अब इसको हमने रन करके देख लिया एक बार,
एक्सेप्ट हो गया। सारे टेस्ट केस पे चलाते हैं एक बार इसको। सारे टेस्ट केस पे चला दिया हमने और रॉन्ग आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, कौन सा गलत हुआ बताओ? हमारा सेकंड लास्ट टेस्ट केस गलत हो गया, 111 वाला। तो सब 111 वाले में क्या गलती है? तीनों जो आंसर हैं वो तीनों जो हैं इक्वल हैं, तो इस केस में क्या होता है समझते हैं एक बार, देखते हैं। तो हमने कहा नम्स ऑफ 5 माइनस 1 अगर ये है तो आप काउंट प्लस प्लस कर दो। हमारा आंसर आ रहा है इस केस में फॉल्स। फॉल्स का दर्शाता है क्या रोटेट रोटेटेड है? नहीं, ठीक है। चलो इस केस को समझते हैं एक बार, ये वाला केस हमने स्किप कर दिया। ये केस क्या कहता है कि अगर आपकी सारी की सारी वैल्यू, तीन केस तो हमने देख लिए थे, ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है, हमने चौथा केस मिस किया। चौथा केस क्या कहता है? चौथा केस कहता है कि तो सारी एलिमेंट इक्वल है, सारे एलिमेंट इक्वल है। अब क्या करेगा? जब सारे एलिमेंट इक्वल है तो ये इसके बराबर है भाई, ये इसके बराबर है ना, और फिर लास्ट वाला भी इसके बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इस केस के अंदर, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं काउंट को लेस देन इक्वल टू 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा। चला देते हैं, चल गया, सारे टेस्ट केस पे चला देते हैं, चल गया, बहुत बढ़िया। तो इस वाले केस में अगर आंसर निकालने का ट्राई करूं, मुझे क्या दिख रहा है? ऐसा कोई भी पेयर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए आपका नम्स ऑफ 5 माइनस 1 ग्रेटर देन नम्स ऑफ 5 हो। इसका मतलब पेयर का काउंट कितना हो गया? पेयर का काउंट जो हो गया वो जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर काउंट जीरो या वन है तो भैया ट्रू भेज देना, एल्स फॉल्स भेज देना। यही मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने बोला अगर काउंट लेस देन इक्वल टू 1 है तो भैया अपना ट्रू भेज देना, नहीं तो फॉल्स भेज देना। इतना सी बात हमने करी है। एक केस हमारा मिस हुआ, इसको हमने हैंडल कर लिया, इसको सबमिट करते हैं एक बार। बहुत बढ़िया, चलिए 100% C++ सॉल्यूशन से फास्टर सॉल्यूशन है ये। और बहुत मतलब मुझे लगता नहीं आ रही को बताएगा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, बट ठीक है, हो सकता है बता दे, बट ये नहीं मेरे को लगता नहीं को बताएगा। तो आपको समझ में आ चुका है वो इंपॉर्टेंट है। आपने क्या कि सारे कंपैरिजन कर लिए और एक साइक्लिक कंपैरिजन में इंक्लूड कर लिया और चेक कर लिया काउंट कितने। अगर काउंट जीरो है, वन है, जीरो किस केस के लिए? जब सारे एलिमेंट इक्वल हो। वन किस केस के लिए? कि यार जब एक पेयर मिल जाए जहां पे नम्स ऑफ 5 माइनस 1 ग्रेटर देन नम्स ऑफ 5 हो, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर दो इसके आगे वाला एलिमेंट से छोटा है ना। तो ये लॉजिक आपने लगा दिया। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि सम ऑफ टू एरेस। ये प्यारा क्वेश्चन है यार, इसमें इंप्लीमेंटेशन थोड़ा टाइम लेती है, बट ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको दो एरे दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि आपको दो एरे दिए हुए हैं, ARR1 और ARR2। इसमें कुछ कुछ एलिमेंट पड़े हैं यार, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट पड़े हैं। पहले एलिमेंट क्या एलिमेंट पड़ा है? 1, 2, 3, 4, ये चार एलिमेंट पड़े हुए हैं। दूसरे आर में क्या पड़ा है? 6 पड़ा है। इनको प्लस करना है, ऐड करके देना है आंसर। 1, 2, 3, 4, ये आ गया 6, आंसर आ गया 0, 1, 4, 2, 1, 2, 4, 0। ये हमारा आंसर हो गया, चेक कर लेते हैं। तो आंसर है 1, 2, 4, 0 आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 1, 2, 3 और 99 को प्लस करना है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, दो आरे हैं, एक है 1, 2, 3 और एक है 99, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9, 3, 12, 2, 1, 12, 1, 2, 222, ठीक है। तो 222 आपका आंसर आ चुका है और आपको समझ में आ गया, ठीक है भैया लॉजिक वाइज क्या चल रहा है, ठीक, सिंपल ऐड ही कर रहे हो, बट थोड़ा कोड करने में थोड़ा समझने वाली चीज़ है, ध्यान समझते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो हमें क्या पहले समझ में आ रही है? ऐड तो भैया हम पीछे से शुरू करते हैं एरे के, यानी कोई भी एरे हो, ये नहीं कि आपने 6 को ऐड कर दिया गलत चीज़ आएगी। हमने क्या किया, हमने हमेशा पीछे से ऐड करना शुरू किया, यानी हम दोनों एरे को लूप कहाँ से लगा रहे होंगे, लूप जो भी चलाएंगे हम वो उसके एंड से लगा रहे होंगे। बहुत बढ़िया, तीन केस सकते हैं, वो तीनों केस समझाता हूँ मैं आपको। पहला केस समझते हैं, पहला केस जिसमें कि आपका पहले वाला एरे बहुत बड़ा था, 1, 2, 3, 4 और ये 6, ठीक है। तो आपने लूप के दौरान इसको तो हैंडल कर लिया होगा, ठीक है, फिर आपकी ये चीज बच जाएगी, फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं, यार जब आपका ये वाला पहला वाला एरे छोटा हो और नीचे वाला एरे बड़ा हो, तो लूप के दौरान आपने ये तो संभाल लिया होगा, बट आपकी ये वाली चीज बच जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड केस, यार मान लेते हैं आपके एरे के दोनों की लेंथ सेम ही है, आपने लूप के दौरान ये और ये और ये तो संभाल लिया, ये बट इनको प्लस करके कोई कैरी भी तो आया होगा। अब वो कैरी रिमेनिंग है, उस कैरी को भी तो आप डालोगे यहाँ पे। तीन केस, पहला केस लेफ्ट एरे बड़ा हो, सेकंड केस राइट एरे बड़ा हो, और थर्ड केस आपका कैरी बचा हुआ अभी तक, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है, और इनको ध्यान में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बड़े प्यार सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे बोला था ये वाला क्वेश्चन 1, 1 है और 2, 3 है, 1, 1 और 2, 3, ये एरे की फॉर्म में, एरे की फॉर्म में। यहाँ मैंने लगा रखा है i पीछे और यहाँ मैंने लगा रखा है j। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को पहले प्लस कर दिया, मैंने एक वैल्यू निकाली सम, इन यहाँ पे दोनों को प्लस किया, 1 + 3 सम 4 आ गया। सबसे पहले आपने जल्दी से अपना कैरी निकाल लिया, कैरी कैसे निकाला, सम डिवाइड बाय 10। कैसे भैया, कैसे आया फॉर्मूला, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि भाई अगर मैं 19 और 9 को प्लस कर दिया तो आपका आंसर यहाँ पे क्या, 9 और 9 18 होता है, 8 आ गया, कैरी आपका यहाँ पे चला जाता था, ऐसे बन जाता था। कैरी कैसे निकला,
आपका 9 और 9 18 आया था, 18 को मैंने 10 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। अच्छा, डिवाइड करके मेरा कैरी निकल गया। और यहाँ पे जो वैल्यू डालनी है वो कैसे आएगी, सिंपल है। कैसे आएगी, आपने सम का मॉड कर दिया 10 के साथ। अगर मैं 18 का 10 से मॉड कर दूंगा तो मेरा 8 आ जाएगा, तो 8 को मैंने यहाँ डाल दिया, तो ये आपका वैल्यू आ गई। और इसको आपने अपने आंसर वाले एरे में डाल दिया होगा, क्या आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू सम, इस प्रकार को सूच कर दिया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अभी आपने कैरी लिए डिवाइड करके, आपने जो भी वैल्यू डालनी है उस पर्टिकुलर पोजीशन पर, वो मॉड करके निकाल ली और वैल्यू पुट कर दी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन समझ लो कोड करते करते, ठीक है। तो एक बार इसको करना शुरू करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। और चलो करते हैं इसको 10 मिनट के अंदर ख़त्म। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पहले ना मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, इंट आई इज इक्वल्स टू एन और इंट जे इज इक्वल्स टू एम। बहुत बढ़िया, दोनों जो हैं, सॉरी -1 और -1, ये दोनों जो आई और जी हैं, लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं कि मैं लास्ट इंडेक्स पे बैठा हूँ। अब मैंने एक लूप चलाया, पहले मैंने एक कैरी बना लेता हूँ, इंट कैरी इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, स्टार्टिंग कैरी 0 मान लिया। मैंने बोला कि वाइल, एक लूप चलाया वाइल आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, कि भाई स्टार्टिंग में जाना उसके बाहर मत निकल जाना, एंड जे इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। दोनों केस में, दोनों एरे की बात चल रही है। तो आप क्या करो इस केस में, आप सबसे पहले तो यार पहली वैल्यू निकाल लो, इंट वैल्यू 1। पहली वैल्यू क्या है हमारी, पहले एरे में से निकल गई ए ऑफ आई, लिखना की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के दिखा रहा हूँ। दूसरी वैल्यू निकाल लो, वो क्या है, बी ऑफ जे, दोनों वैल्यू निकल गई। अब हम सम निकाल लेते हैं, मैंने बोला सम निकाल लो, इंट सम इज इक्वल्स टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 प्लस कैरी भी तो हो सकता है कोई कैरी, ठीक है। तो आपने इस प्रकार ये एक्सप्रेशन लिख लिया कि इस प्रकार ये सम बनेगा, सम निकल गया। अब आपने कैरी निकाल लिया, कैरी इज इक्वल्स टू सम बाय 10। बहुत बढ़िया, सम इज इक्वल्स टू सम मॉड 10, ऐसे करके। और आपने इसको डाल दिया कहाँ पर, आपके आंसर वाले एरे में। आंसर वाला एरे क्या है, बना देते हैं अभी, वेक्टर इंट, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको अपने आंसर में डाल दिया, और मेरा मैंने आंसर बना रखा था ये आंसर, और मैंने इसको ans डॉट पुश बैक कर दिया, क्या डाला, सम डाला। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे मेरा वाला पार्ट खत्म हो गया। कौन सा वाला पार्ट, जहाँ पे मेरे दोनों लेंथ ओवरलैप कर रही है, ये वाला पार्ट हो गया। अब मेरा ये वाला पार्ट बच सकता है, ये वाला पार्ट बच सकता है, और या कैरी बच सकता है, तीन चीज़ें बच सकती है। मैं अगर पहले वाले पार्ट के लिए जाऊँ, फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। एक चीज़ और गलती है यहाँ पे, आई और जे को माइनस माइनस भी करना है, पीछे भी तो आओगे ना। आगे चलते हैं। अब मैंने बोला पहले वाला पार्ट, जब आपके पहला वाला एरे बड़ा हुआ, बड़ा है और बचा हुआ है, तो आपने बोला वाइल आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे यार, सम निकाल लो। इंट सम इज इक्वल टू सम क्या होगा, सबसे पहली चीज़ ए ऑफ आई प्लस कैरी, उसके बाद कैरी क्या होगा, सम क्या होगा, ये सब क्या होगा, ये आपने यहाँ से कॉपी मार दिया, आपने आई को हटा, जे को हटा दिया यहाँ से। बहुत बढ़िया, अब निकालते हैं हमारा सेकंड केस। सेकंड केस क्या होगा, यार सम निकाला, सम कैसे निकला, बी ऑफ जे से, बी ऑफ जे प्लस कैरी कर दिया, कैरी निकाला, सम निकाला, पुश कर दिया आंसर, जे माइनस माइनस कर दिया। बहुत बढ़िया, अब चलते हैं हमारे थर्ड केस पे। थर्ड केस क्या कहता था, यार कैरी जो है वो बचा हुआ है, तो मैंने क्या बोला, वाइल कैरी नॉट इक्वल टू 0, तब तक क्या करूँ, तो मैंने सम को सीधा कैरी मान लिया, अब बोला कि कैरी इक्वल टू सम बाय 10, सम को चाहिए, और ये जे माइनस की नीड नहीं है, नीड नहीं है। बढ़िया, इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, ये आप करोगे तो आपका ना वेक्टर रेडी होगा, जो आपका आंसर देना ना, उसमें एक चीज़ गलती होगी अभी, बट आप आंसर निकाल चुके हो, एक चीज़ गलती है बस, आपने एक बार ना प्रिंट करा लिया वेक्टर, जो भी आपका आंसर है, और उसका आपने रिटर्न कर दिया। प्रिंट क्या ही कराना, आंसर दिखाई देगा यार, हम जब अभी कोड करेंगे, ये रन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ गलती करी हुई हमने, ये आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 चलाया, और ये जे से चलना है, फिर से चलाते हैं एक बार, ठीक है। इसने क्या बोला कि एरर एक्सपेक्टेड ये लाइन नंबर कौन सी है, ये कहीं पे हमने सेमी कॉलन मिस कर दिया, ये रहा। दोबारा चलाते हैं, रॉन्ग आंसर, सब में रॉन्ग आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, हमें पता था ये, हमने क्या किया, हमने एक बार ना इस पर चला लिया, हमें पता है कि हमारा आंसर जो रिवर्स आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। देखो हमारा आंसर आ रहा है 697, असली आंसर क्या है 796, हमारा आंसर क्या है 32, और ये है 23, ऐसा क्यों आ रहा है समझते हैं एक बार। हमने जो भी आंसर निकाला ना, जैसे इस केस में हमारा आंसर क्या आया, 64 में 0 आया, फिर ये आया
फोर, और फिर आया टू, फिर आया वन। तो हमने क्या किया था, हमने जो सबसे पहले वेक्टर था ऐसा, इसमें पहले जीरो डाल दिया, फिर हमने फोर डाल दिया, फिर हमने टू डाल दिया, फिर हमने वन डाल दिया। हमारा आंसर क्या गया, जीरो फोर टू वन। तो हमारा आंसर जो है उल्टा आ रहा है, ठीक है। हमें बस कुछ नहीं करना है, एक बार वेक्टर को रिवर्स करना पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा यार। अगर हम इसको रिवर्स कर दें यहाँ पे, रिवर्स एक फंक्शन बना दूँ और उसमें वेक्टर लिख दूँ, हमारा आंसर लिख दूँ, तो हमारा काम हो जाएगा। रिवर्स कैसे करते हैं भैया, अभी करा दें, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चीज़ है। आपने एक फंक्शन बनाया वॉइड या फिर रिवर्स, रिवर्ट रहने दो यार, फिर आप अभी समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को। वेक्टर इंट रिवर्स, और इसमें आपका आ गया वेक्टर इंट वी, वी बहुत लेता हूँ मैं। क्या करा आपने, कुछ नहीं करा आपने, बोला इंट एस इज इक्वल्स टू जीरो और इंट ई इज इक्वल्स टू वी डॉट साइज माइनस वन। आपने बोला वाइल एस लेस देन ई, कुछ मत करो, स्वैप कर दो वी ऑफ आई प्लस प्लस को, सॉरी वी ऑफ एस प्लस प्लस को और वी ऑफ ई माइनस माइनस को, इसको स्वैप कर दिया और आपने रिटर्न कर दिया वी को। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपने आंसर कर दिया रिटर्न, इसको हटा दो। अब एक बार दोबारा चला के देखो अपना कोड। बहुत बढ़िया, चलो क्या मैं सबमिट कर सकता हूँ, कुछ बचा तो नहीं है, सोच लो एक बार ध्यान से आराम से, कुछ बचा तो नहीं है। हमने चेक करा क्या हो सकता है, कुछ गलत कर सकते हैं, एक बार कस्टम टेस्ट के चला देते हैं कोई, चलो छोटा सबमिट कर देते हैं सबमिट कर देते हैं एक बार। बढ़िया, करेक्ट आंसर आ गया। तो आपको चीज समझ में आ गई यार कि ठीक है, हमने केसेस पहले बना लिए। मुझे याद है मेरा एक इंटरव्यू हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, और वहां पे मेरे से एक चीज बोली गई थी कि यार प्रोग्रामिंग पे थोड़ा कम फोकस करें, कोडिंग पे थोड़ा कम फोकस करें और इंजीनियरिंग पे ज्यादा फोकस करें। उसमें क्या करो, आप पहले केसेस बना के रख लो कि मेरा पहला केस ये होगा, मेरा दूसरा केस ये होगा, मेरा तीसरा केस होगा, उसके बाद कोड करना स्टार्ट करो। ये नहीं कि लग गए बस कोड करने फटाफट फटाफट, नहीं 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 हमने यहाँ पे पहले केस बना लिया कि यार हमारा पहला केस क्या होगा, जब हमारा पहला एरे की लेंथ ज्यादा हो सकती है और दूसरा छोटा हो। दूसरा केस क्या होगा कि यार पहले वाला छोटा और दूसरे वाला बड़ा हो, ठीक है। तीसरा केस क्या होगा कि यार ये बराबर है कहीं ना कहीं, बट आपका कैरी भी तो हो सकता है, पॉसिबल है कैरी हो सकता है, जीरो भी हो तब भी आपका काम कर जाएगा, बट अगर जीरो से ज्यादा हुआ तब भी तो संभालना पड़ेगा ना उस चीज को हमें। तो ये चीज भी हमने संभाल ली, यार ये भी संभाल लेना एक बार, हम तीनों के संभाल लिया यार, जब हमारा कोई दोनों में से कोई एक का साइज बड़ा हो और तीसरा जब बराबर साइज हो, हमारा कैरी बचा हुआ। यही होता मैथ में, होता क्या है, सिंपल चीजें होती है, कुछ नहीं करना होता। आपने सम निकाला कि उनको प्लस करके क्या आ रहा है, फिर आपने कैरी निकाल लिया और फिर आपने जो वैल्यू डालनी है, इसको कंफ्यूज मत करना, ये मत बोलना भैया सम कैसे हुआ, इस कोई भी एक बस मैं एक वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ मॉड करके, जिसको मैं उठा के यहाँ पे डाल दूँ। अगर आप मान लो इसको हटाना चाहते हो, आप बोलो भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसको वैल्यू मान लो, इसको मान लो कोई भी एक वैल्यू, इंट वैल्यू ये बोलो सम भाई, इसको वैल्यू बना के डाल दो। अब समझ में आ गया कि मैंने एक वैल्यू निकाल ली और उसको सम से मॉड करके वैल्यू निकाली और उसको मैंने पुट कर दिया, इतना ज़रूर, ठीक है। कन्फ्यूज हो रहा था, इस प्रकार आप कर सकते हैं, आंसर हमारा आ चुका है। तो ये वाली गेम है यार जो हमने सॉल्व करी रिसेंटली, मजा ही आ गया। इन तीनों क्वेश्चंस को मैं जल्दी से अपने कोड बेस में डाल देता हूँ और आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इस में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और बताना कैसा लगा, बहुत फटाफट वीडियो बनाई है, आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए क्या करना है, इन तीनों सॉल्यूशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर वन कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्वेश्चन नंबर टू टाइम स्पेस ही है, क्वेश्चन नंबर थ्री टाइम स्पेस ही है, ये आपके लिए होमवर्क है। बढ़िया, और ये सारे क्वेश्चन आप खुद तो सॉल्व करने करने हैं, डन है, चलो बाय बाय।